चाइना से जो डेटा आया, जो वहां पे ग्रोथ था, मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे 6.3% का ग्रोथ होगा, बट वो ग्रोथ बढ़ के आया 6.4%, जो स्ट्रेट अवे ग्लोबल इकोनॉमी का ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक सुधारा देखने मिल रहा है, यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट है। और साथ ही में हम लोग देखने जाए तो यूएस के साथ जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टॉक्स चल रही थी वहां पे इम्प्रूवमेंट देखने मिला, वहां से पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रही है। और साथ ही में यूरोपियन यूनियन के साथ जो जो यूएस ने ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है, ये सारे फैक्टर्स के चलते हुए हमें कॉमेक्स मार्केट में एक ज्यादा प्रेशर देखने मिला। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में यहाँ काफी कमजोरी देखने मिली, बहुत दिनों के बाद हमें 1270 के 1275 के लेवल देखने मिले गोल्ड पे, जो 1280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, गोल्ड ने हाल फिलहाल उसे तोड़ के 1275 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और सिल्वर की अगर बात करते हैं तो सिल्वर नीचे की तरफ 14.90 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये जो सेफ हेवन असेट्स है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है रिस्कियर असेट की तरफ मूव कर रहे हैं, और जिसके चलते हुए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अगर गोल्ड की हम स्पेसिफिकली बात करें, गोल्ड में टेक्निकली जो अभी पैटर्न बनते हुए देखने मिल रही है तो वो स्ट्रेट अवे इंडिकेट करती है कि आने वाले दिनों में हमें लगभग नीचे की तरफ $1,250 के आसपास, और हो सका तो $1,210 की भी पॉसिबिलिटी को हम ओवररूल नहीं कर पाएंगे। हाल फिलहाल ये डेवलपमेंट अर्ली है, यहाँ पे कमेंट करना मुश्किल है, बट टेक्निकली ये स्ट्रक्चर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। भारतीय वायदा बाजारों की यहाँ पे बात करते हैं, कॉमेक्स मार्केट से क्यूज देखते हुए हमें गोल्ड और सिल्वर में काफी प्रेशर देखने मिला है। गोल्ड स्पेशली काफी दबाव में रहा, तो नीचे की तरफ जो गोल्ड का सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है वो लगभग 31,000 के आसपास है, और ऊपर की तरफ 32,000 का एक रेजिस्टेंस है। सिल्वर की यहाँ का पर बात करें तो सिल्वर में यहाँ थोड़ा साइडवेज एक्शन है, तो सिल्वर का जो नीचे की तरफ पहला सपोर्ट बनता है वो 36,800 का है, और उसके बाद 36,500, और ऊपर की तरफ लगभग 38,000 का एक रेजिस्टेंस बनते देखने मिल रहा है। बेस मेटल्स में यहाँ पे थोड़ी रिकवरी है, बेस मेटल्स थोड़ा पॉजिटिवली मिक्स टू पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। कॉपर में स्पेशली यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम देखने मिला क्योंकि चाइना का जो डेटा आया था वो काफी इम्प्रूव आया, और साथ ही में हमें देखा कि क्रूड में भी यहाँ पे एक्शन है, क्रूड में भी थोड़ा पॉजिटिव बायस है। साथ ही में मेंथा ऑयल में यहाँ पे 1500 के आसपास चल रहा है, तो 1530 के ऊपर उधर रेजिस्टेंस बनते देखने मिल रहा है। अगर यहाँ पे किसी को एग्रेसिवली ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है निकल में सेल साइड पे जा सकते हैं, ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 10-15 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए, नीचे की तरफ वही 870 के आसपास के लेवल एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये एग्रेसिव ट्रेड होगा। सेफ ट्रेड लेने वाले जो ट्रेडर्स है हाल फिलहाल इसे अवॉइड कर सकते हैं।